मेरा नाम है मेहरुन्निसा, शहर की वो तन्हा लड़की। 12वीं पास रश्मि को अपने घर का बेटा बनने का बड़ा शौक था। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटी और पढ़ाई कर लो, जीवन बहुत बड़ा है और बिना पढ़ाई के ये काटना मुश्किल होगा। रश्मि घर की बड़ी लड़की थी और उसके दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई भी था जो अभी कक्षा 8 में ही पढ़ रहा था। रश्मि का परिवार बहुत पैसे वाला नहीं था। रश्मि के पिता रमेश सालों पहले अपने गांव छोड़ शहर आ बसे थे और यहीं के होके रह गए थे। चारों बच्चे यहीं शहर में ही पैदा हुए थे। बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं रखी थी। रमेश शहर की हर खुशी देने की पूरी कोशिश करता अपने बीवी बच्चों को। रमेश की तनख्वाह भी शहर के हिसाब से अच्छी थी। रमेश की एक ही ख्वाहिश थी कि चाहे जीवन में मैं कुछ जोड़ पाऊँ या ना जोड़ पाऊँ, मगर बच्चों को अच्छी शिक्षा ज़रूर दूंगा। रमेश जी जान लगा कर मेहनत कर बच्चों की खुशियाँ खरीदने की कोशिश में लगा रहता, लेकिन यहाँ बच्चे रोज़ कुछ नई फरमाइश कर देते। रश्मि अब 17 साल की हो गई थी। अब उसको नया शौक चढ़ गया था कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे नौकरी करना है। रमेश ने कहा, बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन बिना डिग्री के तुम्हें नौकरी पे कौन रखेगा? पहले डिग्री तो ले लो, तब नौकरी खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास। पर रश्मि के दिमाग से नौकरी का फितूर निकल ही नहीं रहा था। वो एक ही रटना रटती, फलाना 10वीं तक पढ़ी है, चिलाना 5वीं तक पढ़ी है, सब पैसा कमा रहे हैं, तो मैं तो 12वीं तक पढ़ी हूँ तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और मैं तो उन लोगों में सबसे अच्छी इंग्लिश भी बोलती हूँ। रमेश ने कहा, बेटा मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन आधिकारिक जॉब नहीं मिलेगी, तुमको बड़े डिग्री वालों के नीचे ही काम करना पड़ जाएगा, तो क्यों ना तुम ही कोई बड़ी डिग्री ले लो। पर रश्मि तो बस सुन ही नहीं रही थी, तो एक दिन बोली, पापा मुझे दिल्ली में एक जॉब मिल गई है, मुझे वहाँ जाना है, इंग्लिश में बात करनी है, एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसमें सेल्स का काम है, पापा मुझे जाने दो। रमेश ने फिर भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रश्मि नहीं मानी और दिल्ली चली आई। दिल्ली में आते ही उसने पाया कि दिल्ली में तो इतनी भीड़ है, इतनी मुश्किल है ज़िंदगी। वैसे भी माँ बाप को छोड़कर बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। खैर, अब रश्मि का पहला दिन था दिल्ली में। वह अपनी एक सोशल मीडिया द्वारा बने दोस्त के यहाँ रहने का इंतज़ाम तो पहले ही फ़ोन पर कर चुकी थी। उसी दोस्त ने उसे यहाँ नौकरी भी लगाई थी। ये बात उसने अपने पिता को नहीं बताई थी कि उसे नौकरी कैसे मिली। जब वह आ गई दिल्ली तब भी ये नहीं बताया। जिस काम के लिए आई उसे बुलाया, वो काम तो नहीं था। उसे एक बढ़िया पार्लर में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी। रश्मि तब भी खुश थी क्योंकि मेहनत कोई थी नहीं, बस बिल काउंटर पर खड़े रहना था और कस्टमर से पैसे लेने थे। रश्मि बहुत खुश थी, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप की जगह पार्लर में काम कर रही है, क्योंकि उसके पिता तो पहले से ही उसे वहाँ जाने को मना कर रहे थे। और ये सुनकर कि जॉब वो नहीं जिसके लिए बुलाया था, तब तो वो वापस ही बुला लेते। इसीलिए रश्मि ने कुछ नहीं बताया और नौकरी करती रही। यहाँ दिल्ली का माहौल तो बहुत ही हाईफाई था। जो भी औरत आती वो 5,000 से नीचे काम ही नहीं करवाती थी, और जो लड़कियाँ काम करती उसे अलग टिप भी मिलता। रश्मि तो बिल काउंटर पर खड़ी होती थी तो उसे भला कोई क्यों टिप देता। ऐसे ही कई महीने गुजर गए दिल्ली में रहते। जहाँ काम कर रही थी वहाँ सिर्फ अमीर औरत और आदमी ही आते थे। ये सब तो रश्मि ने नहीं देखा था अपने छोटे शहर में कि पार्लर में आदमी लोग भी आते हैं। एक दिन की बात है, एक बड़ा ही मोटा आदमी आया, उसने बाल कटवाए थे। जिस लड़की ने उसका काम किया था उसने उसे 3,000 का टिप दिया। रश्मि यह देखकर बड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा कि काम सिर्फ 1,200 का और टिप 3,000। वो हिसाब जोड़ने लगी कि 8,000 पूरे महीने में
खड़ी रहती हूँ तब मिलता है। और इन लोगों की 1500 तनख्वाह है, लेकिन रोज टिप लगाओ तो 25,000 से 30,000 तक कमा लेती हैं। ये सब ऐसी ही जोड़ घटा में गुम थी रश्मि। तब तक उसकी सहेली ने पूछा, कहाँ गुम हो, खाना खाओ? तब उसने अपनी कश्मकश बताई तो उसकी सहेली ने कहा, हाँ ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तू भी कर सकती है। रश्मि ने कहा, मुझे ये काम थोड़ी ना आता है। उसने बोला, सीखने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसा बोलकर वो अपने लंच का डब्बा उठाई और काम करने लगी। अब रश्मि का दिमाग काम पर लग ही नहीं रहा था कि बिना काम आए वो कैसे कमा सकती है। 2-4 दिन गुजरने के बाद रश्मि ने कहा, मुझे भी करना है, बता कैसे करूँ? सुनीता बोली, ठीक है। उसने कहा, ऑनर से बात कर। सुनीता ने फोन लगाया ऑनर को और कहा, मैडम वो जो नई लड़की आई है ना रश्मि? मैडम ने कहा, हाँ क्या हुआ उसे? सुनीता बोली, उसे फील्ड में काम करना है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। मैडम बोली, वो खुद बोल रही है? सुनीता ने कहा, हाँ मैडम। मैडम ने सुनीता को कहा कि तुम उसे कुछ मोटी मोटी बातें समझा दो, बाकी मैं आकर समझाती हूँ। सुनीता के फोन काटते ही रश्मि ने कहा, ये फील्ड में का क्या मतलब है? सुनीता बोली, मतलब कस्टमर को हैंडल करना। रश्मि बोली, हाँ वही तो, सीखना है, काम आता नहीं है ना मुझे। सुनीता बोली, तुझे इंग्लिश आती है बस, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी बातें तुझे मैडम समझा देंगी, थोड़ी देर में आने वाली हैं। रश्मि खुश तो बहुत थी कि अब वो भी अच्छी मोटी कमाई कर सकेगी और ढेरों पैसे भी कमा सकेगी, लेकिन वो परेशान भी थी कि काम नहीं आता तो कैसे करेगी। खैर शाम हुई, छुट्टी होने से पहले मैडम आ गई। जब सब चले गए तब रश्मि को रोक लिया और रश्मि के मन में बहुत सवाल थे। मैडम ने कहा, तो तुम तैयार हो फील्ड में काम करने के लिए? रश्मि तो पहले से ही तैयार थी, लेकिन सवाल का जवाब चाहिए था, बिना काम आए कैसे? तब मैडम ने कहा कि देखो रश्मि, हम यहाँ कस्टमर की हर बात मानते हैं, चाहे वो कुछ भी फरमाइश करे, चाहे कुछ भी, तभी वो मोटा टिप देकर जाते हैं। और तुम तो इंग्लिश बोलती हो, तुम तो अच्छा पैसा कमा सकती हो। रश्मि को तो बस पैसा ही तो कमाना था, बस उसने हाँ बोल दिया। मैडम ने कहा, देखो एक बार फील्ड में जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते और किसी से कुछ भी बता नहीं सकती। रश्मि के दिमाग में तो नोटों की कड़कड़ाहट गूंज रही थी, मैडम की बात को क्या साफ साफ समझती, बस कुछ सोचे बगैर ही हाँ बोल दिया। अगले दिन रश्मि जब पार्लर पहुंची तो सुनीता मुस्कुराती हुई उसके पास आई, बोली क्या बात है, अब तो तू भी, हाँ सही है, इंग्लिश अच्छी है, अब तो तू हमसे भी ज़्यादा पैसे कमाएगी। सही है, अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि मैडम आ गई, रश्मि का हाथ पकड़ अंदर ले गई, बोली एक कस्टमर आ रहा है, उसे तुम हैंडल करना, मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया है, ठीक है रश्मि? रश्मि बोली, मैडम काम तो आता नहीं है मुझे। मैडम ने कहा, उसकी चिंता मत करो, बस उसका खास ख्याल रखना, उन्हें पेडिक्योर करवाना है, वो सहाना कर देगी, बाकी काम तुम कर देना। बाकी काम क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था उसे। जब वो कस्टमर आया तो पेडिक्योर हो जाने के बाद वो अंदर रेस्ट रूम में चला गया, तो मैडम बोली, जाओ रश्मि, अब बाकी का काम तुम्हारा है। जब रश्मि अंदर गई तो 2 मिनट में ही घबराई हुई डरी हुई रश्मि बाहर आ गई, बोली मैडम वो आदमी मुझसे गलत काम करने को कह रहा है और उसने अपने कपड़े भी उतार दिए हैं, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ। मैडम ने कहा, देखो रश्मि ये दिल्ली है और यहाँ ज़्यादा पैसा और जल्दी अमीर बनने का यही एक तरीका है, तुम सोच लो करना है या नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत अमीर और नाम वाले लोग ही आते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, सोच लो इस तरह तुम ज़्यादा पैसा कमा सकती हो और दिल्ली में अपना घर भी ले सकती हो। रश्मि बुत बने खड़ी रही, फिर मैडम बोली, देखो जल्दी सोचो, कस्टमर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रश्मि ने मना कर दिया तो उसकी जगह सुनीता चली गई।
सुनीता को उस आदमी ने 5,000 टिप दिए। जब लंच हुआ तो रश्मि खामोश खाना खा रही थी। सुनीता खुश दिख रही थी। फिर रश्मि ने पूछा, सुनीता एक बात पूछूं तुम्हें, ये सब गंदा नहीं लगता? सुनीता ने कहा, बहन यहाँ शराफत से काम करके कभी कोई अमीर नहीं बना, और वैसे भी मैं अपने पूरे परिवार को संभालती हूँ। मेरे पापा लकवा ग्रस्त हैं और मेरी माँ के पास कोई काम नहीं है, और मेरे दो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे ही तो करना है, इसलिए कर रही हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत यही काम आता है तो यहाँ नौकरी मिल भी गई, वरना कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। अब तो मैंने यहाँ काम कर करके घर भी खरीद लिया है फरीदाबाद में। जैसे ही सुनीता ने कहा कि घर खरीद लिया है, यहाँ की कमाई से रश्मि का तो सर ही चकरा गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पूछा, और अगर किसी को पता चला तो? सुनीता ने कहा, मुझे 5 साल हो गए हैं, अब तक तो किसी को पता नहीं चला। रश्मि ने पूछा, माँ बाप को भी नहीं? सुनीता बोली, उनको भी नहीं। तब रश्मि सोचने लगी। 2-4 दिन के बाद रश्मि ने फिर से मैडम को फ़ोन किया और बोली, मैडम मैं अब फील्ड में काम करने के लिए तैयार हूँ। मैडम ने कहा, देख लो रश्मि, कस्टमर के आने के बाद मुझे नखरे नहीं चाहिए। रश्मि ने कहा, अब नहीं करूँगी। अब रश्मि भी फील्ड में काम करने लगी और बहुत ज़्यादा टिप भी कमाने लगी। वो घर पहले से ज़्यादा पैसे भेज रही थी, खुद के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च कर रही थी। रश्मि ने अब अलग रूम भी ले लिया था। दिन महीने साल गुजर रहे थे। अब रश्मि को अपने काम में मज़ा आने लगा था। फिर एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हुई। जब वो डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट करने के लिए दिया। जब रश्मि ने टेस्ट कराया तो उसके तो होश ही उड़ गए। रश्मि को एड्स हो गया था। अब रश्मि ये बात किसी को बोल भी नहीं सकती थी। रोज़ छुट्टी ले रही थी तबीयत खराब होने की वजह से। तब उसकी मैडम को पता चला तो उसकी मैडम ने उसे काम से ही निकाल दिया। अब रश्मि ना घर वापस जा सकती थी और ना ही किसी को बता सकती थी और ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो बीमार ही पड़ी रहती। अब उसकी सहेली सुनीता भी उसे मिलने से कतरा रही थी। इतने बड़े शहर में अब रश्मि एकदम तन्हा और अकेली थी। अब इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। 3 महीने के अंदर ही रश्मि बिना इलाज के अपने ही कमरे में मरी हुई मिली। रश्मि अगर अपने पिता की बात मान लेती तो डिग्री लेकर कोई अच्छी नौकरी कर रही होती, और अगर वो उस वक्त भी पीछे हट जाती जब उसे पता चला था तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन रश्मि की लालच ने रश्मि की जान ले ली। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ की कहानी आपको मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। और अगर आप शायरी, नगमे और गज़लों के शौकीन हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं रोज़ की शायरी अपडेट करती हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।